8.2 intro part, and in this video we will cover also the example of the 8.2. तो भाई हेडिंग क्या है? जनरल एंड द मिडिल, इसको को भूल जाइए. और बेसिक चीज़ अभी मैं आपको बता दूँ, एक फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, x प्लस ए रेस टू दी पावर n, n c ज़ीरो x की पावर n, n c वन x n माइनस वन ए रेस टू दी पावर वन, n c टू, यही तो पढ़ा है हम लोगों ने अभी तक, और तो कुछ पढ़ा ही नहीं है. 8.1 के एक ही फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्लस डॉट 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 एन सी एन ए की पावर एन. क्लियर है? कुछ बातें हैं जो हम लोगों ने पढ़ी, याद रखिए कि इसमें एक्स प्लस ए रेस टू दी पावर जो एन होता था, इसको क्या बोलते थे? इंडेक्स बोलते थे. क्लियर है? अच्छा, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, यस और नो? ये हमारा फर्स्ट टर्म है. दिस इज आवर सिक्स सेकेंड टर्म, यस और नो? थर्ड, एज यूजुअल फोर्थ टर्म एंड लास्ट टर्म. इसमें एक चीज आपने नोटिस अगर करी हो तो ये करी, अगर ये फर्स्ट टर्म है तो ये वैल्यू जीरो है, ये अगर सेकेंड टर्म है तो ये वैल्यू वन है, ये अगर थर्ड टर्म है तो ये टू है, ये फोर है, तो दिस. तो एक चीज कॉमन नहीं आ रही है कि अगर ये थर्ड टर्म है तो उससे एक कम आ रहा है. यहां पर जो इसको आर बोलते हैं ना, एनसीआर होता था, जो आर की जो वैल्यू है, जो भी हमारा टर्म होता है उससे एक कम आ रहा है. क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि भैया इस सीरीज में कोई 16th नंबर पे कोई मान लो टर्म होगा तो उसमें आर कितना होगा? पक्की बात है ना, ये तो एक कम हो रहा है. अच्छा, तो एक तो ये बात ध्यान रखिए कि जो भी अगर सेकेंड टर्म है तो आर वन है, थर्ड है, तो इसको आर क्यों बोला? क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं शुरू से एनसीआर पढ़ते हैं ना, वो तो आर की वैल्यू जो भी टर्म होता है उससे कम होती. अच्छा जी, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस ए का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर ए. इंडेक्स कितनी है? इसको क्या क्या बोलते हैं? देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग यार इंडेक्स बोलते हैं, पावर बोलते हैं, कहेंगे डिग्री भी मिलने को आ जाएगा, और एक्सपोनेंट, इतने सारे नेम है इसके. ठीक है, एक ही बात है ये. डिग्री कितनी है? टू. एक्सपोनेंट कितना है? टू. इंडेक्स कितनी? टू. पावर कितनी? टू. और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? एक ज्यादा. भैया इंडेक्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स. तो फाइनली एक कंक्लूजन ये भी है, इंट्रो पार्ट में मैंने बताया था 8.1 कि जो इंडेक्स होता है, नंबर ऑफ टर्म जो होता है वो क्या कहते हैं कि इंडेक्स में वन ऐड कर दो तो नंबर ऑफ टर्म निकल के आ जाते हैं. क्लियर है? तो दो बातें हम लोगों ने क्या क्या सीखी अभी, कि जितनी इंडेक्स होती है उसमें नंबर ऑफ टर्म हमेशा क्या होता है? एक ज़्यादा होता है. क्लियर है? और अगर कोई सेकेंड टर्म है तो आर की वैल्यू वन है, थर्ड टर्म है तो आर की वैल्यू टू है, फोर्थ टर्म है तो आर की वैल्यू थ्री है. तो इसी तरीके से कह रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया हमारे पास एक बाइनोमियल होगा, बोलेंगे कि फाइंड द 17th टर्म. अब ऐसा तो है नहीं, अब देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, थर्ड है. अब किसी ने एट रैंडम पूछ लिया कि भैया बताओ 100 टर्म बताओ इसका क्या होगा, तो ऐसा तो है नहीं वन से लेके 100 तक हम लोग लिखेंगे. तो कभी एक जनरल टर्म जो पूछा जाता है उसका फॉर्मूला होता है टी आर प्लस वन इक्वल्स टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू ए की पावर आर. अब आप कहेंगे सर ये क्या झमेला है, तो देखिए झमेला समझिए, ये टर्म की बात कर रहे हैं कि किसी ने आपसे पूछा कि इस सीरीज का 17th टर्म बताइए, मतलब आपको टी 17th फाइंड करना है. क्लियर है? अच्छा देखो, यहाँ पे आर प्लस वन है तो एक कम होगा ना आर, देखिए जरा. अब मान लो अगर मैंने आपसे कहा टी 17th फाइंड करना है तो इसमें आर कितना होगा? 16 होगा, एक कम होगा ना. तो आर प्लस वन अगर टर्म फाइंड करना है तो आर क्या होगा? एक कम होगा उससे. क्लियर है? ऐसा नहीं है कि अब आपके दिमाग में क्वेश्चन किसा उन्होंने आर प्लस वन क्यों लिया, अगर वो टी आर लेते तो यार एन सी आर माइनस वन हो जाता. आर जो होता है यार वो एक कम होता है, बात समझ में आ रही ना? तो ये एक जनरल टर्म का फॉर्मूला था. एक जल्दी से इस पर ऐसे ही मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन लेता हूँ कि भैया ये है कि थ्री प्लस एक्स रेस टू दी पावर 20, बताइए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 21. इसकी इंडेक्स कितनी है? 20 है. इसको जब ओपन करोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 21 होंगे. तो ऐसे ही कह रहा है कि यार 21 होंगे तो बताइए 15th नंबर पे कौन सा टर्म होगा, 15th नंबर पे कौन सा टर्म होगा. तो अब या तो आप ऐसा करिए कि एक एक टर्म निकाल कर
बताइए फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो तो बहुत ज़्यादा लेंदी होगा। सिंपल तरीका क्या है, क्या मैं टी 15 को 14 प्लस 1 लिख सकता हूँ आर प्लस 1 की तरह, क्योंकि यहाँ तो 1 का यूज़ हम लोग करेंगे। तो अब टी 15 तो आर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होगा, एन फार्मूला ये तो था एन सी आर, ये एक्स होता है, इसको चलो ए लेते हैं कन्फ्यूजन ना हो। तो एक्स की पावर एन माइनस आर, तो एक्स कितना है 3 की पावर एन माइनस आर, ए की पावर आर, ए कितना यहाँ पे ए ही है, ए की पावर आर कितना 14। तो आप जब ओपन करेंगे ना इसको तो 15th टर्म पे आप देखेंगे आपको यही मिलेगा, क्यों 15th टर्म में आर कितना होता है, बस आपको इतना याद है। अगर ये सब ये सारा चक्कर समझ नहीं आया बिल्कुल नहीं है कोई भी बात नहीं, देसी मेथड से हम लोग पढ़ेंगे, बस ये समझिए टी 15 है तो आर 14 हो जाएगा, एक कम होगा। कैसे कम होगा हमने देखे, क्यों आर जीरो से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है जीरो से स्टार्ट होता है, एक कम होगा ठीक है। तो इसलिए हम लोग किसी भी बाइनोमियल का जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अब ये कहाँ से आया तो सुनिए जरा कहाँ से आया, कि कोई से भी टर्म की बात कर रहे हैं उसमें आर एक कम हो जाएगा बस, तो आर एक कम हो गया। और एक्स की जो पावर होती है वो इन दोनों का माइनस करके आती है, और ए की पावर यही होती है ठीक है। तो ये जनरल टर्म है, इसको लिख लो और एक क्वेश्चन दूंगा भी करना वो। तो इस तरीके से हम किसी भी बाइनोमियल का जनरल टर्म फाइंड कर सकते। अब क्वेश्चन आता है कि भाई किसी भी, जैसे सपोज एक्स प्लस ए रेज टू दी पावर 20 ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे जब इसको ओपन करोगे, कितने होंगे 21 होंगे। तो कह रहे मिडिल टर्म बताइए, मिडिल में कौन सा होगा। तो अभी बताऊंगा ये चीज़, पहले मैं आपको लेके चलूंगा का क्लास 10th में, वहाँ पर जैसे हमारे पास डाटा दिया गया होता था 2, 4, 6, 3, 1, 4 कह देते भैया कि इसका मिडिल टर्म फाइंड करिए। तो क्या फॉर्मूला होता था वहाँ पे, हम लोग पहले काउंट करते थे कि एन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब ऑड है, इवन है, 7 ऑड है। तो अगर जब ऑड होता था तो उसका मिडिल टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता था वो होता था एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यही तो होता था, क्लियर है। अच्छा अब मैं एक इसी डाटा को लिखता हूँ 2, 4, 6, 3, 1, 4, 3, 8। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए होंगे, 8 हो गए होंगे। तो 8 क्या है, ऑड है, इवन है। तो जब इवन होता था तो उसके दो मिडिल टर्म होते थे, मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला एक तो होता था एन वाई टू और एक होता था एन वाई टू प्लस 1। और सही बात भी है, जो जिन बच्चों को लॉजिकली समझना वो खुद समझेंगे कि इसके एक मिडिल टर्म, इसके दो। एक बात बताइए, तीन लोग हैं ए बी सी, इनके बीच में कौन है, आप तुरंत बोल देंगे बी है, लेकिन अब बताइए बीच में कौन है, तो बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। जब इवन होते हैं 1, 2, 3, 4 तो कंफ्यूजन होती है, तो बी और सी दोनों को हम लोग बोल देंगे। लेकिन अब देखिए 5 हो गए तो अब बीच में कौन है, सी हो जाएगा। तो जब ऑड होते हैं तब मिडिल टर्म एक होता है, जब इवन होते तब क्या होता है, दो। सेम यही प्रोसेस यहां पर भी लगेगा, सेम। तो कुछ भी चेंज नहीं है, जो हम लोगों ने क्लास 9th 10th में स्टेटिस्टिक्स में पढ़ा था वही है, कुछ अलग नहीं है। तो अब देखिए, अच्छा अब आपसे वो ऐसा क्वेश्चन बोलेंगे, सीधे क्वेश्चन पर आएंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। जैसे आपसे वो ये कहते हैं कि 2 प्लस y रेज टू द पावर 21, कहते हैं भैया इसका हम एक्सपेंड करेंगे तो इसमें बीचों बीच में कौन सा टर्म आएगा। तो बहुत से बच्चे ये देखते हैं कि यार 21 है, 21 तो ऑड है, हम इसको नहीं देखेंगे। आप ये बताइए जब आप इसको ओपन करोगे तब कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, 22 आएंगे। ओपन करने के बाद नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, और 22 क्या है, ऑड है, इवन है, इवन है। तो जब इवन होता है तो मिडिल टर्म कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से होंगे, एक तो होगा एन वाई टू टर्म्स और दूसरा क्या होगा एन वाई टू प्लस 1th टर्म, क्लियर है। तो भैया रखो 22, तो 22 का 2 से डिवाइड होगा, 11th टर्म एक तो बीचों बीच में होगा और कौन सा होगा 12th टर्म, क्लियर है। तो अब देखिए 11th टर्म कैसे फाइंड करेंगे, मतलब हमको फाइंड करना है टी 11 और 11th टर्म में आर क्या होगा 10 होगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टी 10 प्लस 1। तो अभी जो अब जो हम लोगों ने फॉर्मूला लगाए थे एन सी आर, तो एन कितना है 21 सी आर, और ये एक्स होता था, ये ए होता था। तो अब x पे पावर क्या था, इन दोनों का माइनस कर गया था, तो 21 से 10 गया 11, और a की पावर क्या आती थी, जो यहाँ पर होती थी। तो ये तो हो गया 11th टर्म। अब बोला गया कि भाई 12th टर्म भी बीचों बीच में होगा, तो t 12 में r कितना होगा
11, तो इसको दिखाने के लिए इस तरीके से करते हैं, तो 21c11, 2 की इससे 21c11 गया 10 और y की पावर 11, दो मिडिल टर्म हो गए इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आप किसी को एक्सपेंड करके मिडिल टर्म, अगर ऑड होता, मान लो अगर यहाँ इंडेक्स 20 होता तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते, 21 होते ना, तो 21 क्या ऑड है, इवन है, ऑड है, तो एक ही मिडिल टर्म होता, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने एक एग्जांपल लेके समझा दिया, आपको अच्छे से समझ आ गया, क्योंकि एग्जांपल अच्छे से समझ आता, वरना एनसीईआरटी में इस तरीके से दिया गया है कि एक्स प्लस ए की पावर एन, ठीक है। तो आपको अगर वहाँ पे बोला गया कि ये n क्यों, अब n तो कुछ भी हो सकता है ना, n तो हमको पता ही नहीं है, अगर आपसे बोला जाए कि n अगर इवन है, क्या है n इवन, तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे ना, क्योंकि एक ऐड हो जाएगा ना, तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ऑड, ऑड होगा ना। अगर किसी ने कहा ये ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n प्लस वन क्या होगा, इवन होगा। लेकिन 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 कभी अगर इस तरीके से मिल जाए x प्लस a की पावर 2n, तो 2n कभी भी ऑड नहीं हो सकता, ये तो हमेशा इवन होगा। क्यों, n मैं कह रहा हूं कुछ भी हो, किसी भी नंबर में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इवन हो जाएगा ना वो। n सपोज आपने लिया 3, मान लो n 3 लिया, तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएगा। और याद रखना कि ये n कभी पॉइंट में नहीं होता है, ये जो n होता है हमेशा नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, कभी पॉइंट में नहीं होगा ये, तो ये तो हमेशा क्या होगा, इवन होगा। लेकिन जब इसको एक्सपेंड करोगे तो ऑड हो जाएगा, 2n प्लस 1 हो गया ना नंबर ऑफ टर्म्स। अगर 2n इवन है तो 2n प्लस 1 तो ऑड ही होगा ना, तो जब ये ऑड होगा तो इसका मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, जो होता है ये प्लस 1 डिवाइड बाई 2, क्लियर है। तो इसका क्या हो जाएगा, n प्लस 1 टर्म होगा, वो इसका क्या होगा, मिडिल टर्म होगा, क्लियर है। तो मिडिल टर्म भी फाइंड कर सकते हैं ईजिली हम लोग, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ लिखना पड़ेगा आपको, कंसेप्ट क्लियर है। तो पहले इंट्रो पार्ट तो देख लिया था, अब हम लोग देखेंगे इसके जो एग्जांपल वगैरह हैं, एग्जांपल 5 देखते हैं क्या कह रहा है एनसीईआरटी का। कह रहा है कि ए की वैल्यू फाइंड करनी है इफ द 17th टर्म एंड द 18th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन क्या है, 2 प्लस ए की पावर 15। कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि t17 इक्वल टू 18 दिया गया है, मतलब कह रहे हैं इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे ना तो भाई इसका 17th टर्म है जो इसका 18th टर्म वो इक्वल है, तो ऐसा कब होगा, ए की वैल्यू फाइंड कीजिए, ऐसा कह रहे हैं। कुछ नहीं करेंगे यार हम लोग, पहले t17th निकालेंगे। अच्छा 17th टर्म में r क्या होगा, पक्की बात है ये सब प्रैक्टिस आ रहा है, t16 प्लस 1 हमारा जो फॉर्मूला होता था वो होता था x प्लस a की पावर n, यही तो होता था। तो अब आपको पहली बार करा रहे हैं तो ये चीज़ मैं एक दो बार लिखूंगा, टी आर प्लस वन होता है एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू ए की पावर आर। तो हम टी 16 प्लस वन, एन कितना हो जाएगा 50, सी 16, एक्स कितना हो जाएगा 2, तो 50 से 16 गया 34 और ए की जगह तो ए ही है ए की पावर आर, क्लियर है। ऐसे ही निकालेंगे टी 18, तो टी 18 को कैसे लिखेंगे, तो 50c17 2 की पावर 33 और a की पावर 17। इन दोनों को हम लोग क्या भैया करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल पुट कर देंगे, तो इनको इक्वल पुट कर दीजिए। अब कैलकुलेशन है थोड़ी सी, ए की वैल्यू फाइंड करने के, ए उस तरफ जाएगा, ए की पावर 16 है ए की पावर 17 है, ये उस तरफ जाएगा तो ए की पावर 1 बचेगी केवल, माइनस हो जाएगा, तो ये सब इस तरफ लेके आ जाएंगे। तो 50c16 2 की पावर 34 अपॉन इधर आएगा ए की पावर 17 अपॉन ए की पावर 16, 2 की पावर 33 से 2 की पावर 34 हटेगा तो एक 2 हमारा रह जाएगा। अब इसको ओपन कर लीजिए, कैसे ओपन करेंगे, तो इसको फैक्टोरियल 50 अपॉन फैक्टोरियल 6 और 50 से 16 गया तो फैक्टोरियल 34, नीचे कितना बचा, फैक्टोरियल 50 अपॉन फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इक्वल्स टू ए, फैक्टोरियल 50 से फैक्टोरियल 50 सही हो गया, ये इस तरफ जाएगा ये इस तरफ जाएगा, तो फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 33 अपॉन फैक्टोरियल 16 इंटू 2 इक्वल्स टू ए। देखिए क्या 17th को हम लोग 17 इंटू 16 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना,
तो 17 इंटू 16 फैक्टोरियल इंटू 33। अब 34 को 34 इंटू 33 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 33 से ये चला गया, इससे ये 7 टू जा 14, 2 से 2 चला गया, ए कितना आ गया, चेक करना आंसर, ए बनी आ रहा है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन है केवल, कंसेप्ट समझिए आप, केवल कैलकुलेशन तो भैया अपने ऊपर है, कंसेप्ट समझिए ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या इक्वल है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है उसका बच्चे बहुत इंतजार करते हैं, लगाओ दिमाग। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा लॉजिकल है, देखते हैं क्या है लॉजिक, सही है ना। कह रहे हैं सो दैट द मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे एक्स पावर क्या है फिर वहाँ पे, एक्स एन गलत है, एक्स एन होगा, सही करो से, ये एनसीईआरटी में इसीलिए मैंने कहा कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में गलत है, ये एक्स की पावर एन होगा। और देखो जो उन्होंने उन्होंने प्रूफ किया ना उसमें देखो एक्स की पावर एन होगा, देखो क्या है ना, तो वो हाँ वो थोड़ी मिस्टेक है, हाँ टू की पावर एन है, टू की पावर एन है, टू एन देखना है, टू एन है नहीं यार, टू की पावर एन होगा, टू की एन है ना, प्रूफ करने में क्या है, प्रूफ वाले में तो प्रूफ करने वाले, देखो जो उन्होंने जो एंड क्यों एनसीईआरटी में उन्होंने मिस्टेक करी है क्वेश्चन में ये। चलिए अब देखिए भैया इसका मिडिल टर्म देखना, दबा के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिक आएगा वन प्लस एक्स रेस टू दी पावर टू एन, यार ये बताइए भाई टू एन तो इवन है लेकिन जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, 2n प्लस वन। और पक्की बात है यार कि अगर 2n इवन है तो 2n प्लस वन ऑड होगा, अगर ये ऑड है तो मिडिल टर्म एक ही होगा, सही, मिडिल टर्म कितना होगा, एक ही होगा, और वो क्या होगा, जो भी होता है इसमें वन ऐड कर दो डिवाइड बाय 2, मतलब n प्लस वन टर्म होगा, क्या मिडिल टर्म होगा, क्लियर है। अच्छा अब ये टर्म हमको प्रूफ करना है, ये जो टर्म होगा इस एक्सपेंशन का वो ये होगा। अब एक बात सुनिए, अगर किसी भी सिक्स टर्म्स की बात कर दो, आर कितना होता है 5, टेंथ टर्म की अगर बात करेंगे आर कितना होगा, तो एन प्लस वन की अगर हम बात करें तो आर कितना होगा, एन एक कम हो जाएगा ना, ठीक है, तो ये याद रखना। तो टी एन प्लस वन की अगर हम लोग बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा, एन एन कितना है यहाँ पे 2n, सी आर कितना होगा एन, फिर आता है एक्स की पावर, एक्स कितना 1, 2n से n गया n, इंटू ए की पावर n, यही तो आता है, तो 1 को लिखो या फिर मत लिखो, मतलब हमारे पास क्या आ गया 2n सी एन एक्स रेस टू दी पावर n। अब भैया यहाँ से लॉजिक है, दबा के देखिए क्या इसको एक्सपेंड करना है और ये चीज़ आएगी, देखते हैं कैसे आएगी, बस यहीं पे लॉजिक है थोड़ा सा। तो चलिए भाई 2n सी एन को कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n, और 2n से n गया फैक्टोरियल n और x की पावर n। तो अब देखो आंसर में क्या लाना है, x की पावर n और फैक्टोरियल n, तो एक काम करो x की पावर n फैक्टोरियल n तो आ गया, इसको छेड़ना नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये तो लेकर ही आना है हमको यार, लॉजिक समझो ना कि ये तो हमको लेकर ही आना है, तो इनको तो सेपरेट कर दो, अब जो भी कुछ लॉजिक लगेगा इनके साथ लगेगा बस, ठीक है। तो मैं एक काम ना करूं, मैं फैक्टोरियल 2n और फैक्टोर एन को पास पास लेके इनको दूर लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि इनसे हमें छेड़खानी करनी नहीं है, ये तो हमको लेकर ही आना दिख रहा है हमको, लॉजिक समझो ना। चलिए अब 2n फैक्टोरियल को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, आप लॉजिक बताइए, 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 2n माइनस 4 डॉट 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 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, याद आ रहा है फैक्टोरियल को जब भी हम लोग ओपन करते हैं तो वो 1 तक जाता है। जैसे अगर मैंने आपसे कहा फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होगी, 6 फिर एक कम फिर एक कम फिर एक कम, कहाँ तक जाएगा, 1 तक। कोई सा भी फैक्टोरियल अगर आपने पूरा ओपन करेंगे तो वो 1 पे जाके रुकेगा, अदरवाइज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5, लेकिन अगर आपने स्टॉप नहीं किया है तो वो 1 पे जाके ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल की वैल्यू नेचुरल नंबर्स में ही आती है। चलिए तो क्या मैं 2n फैक्टोरियल को ये चीज़ लिख सकता हूँ, बस यहीं से हमारा लॉजिक है, इसी में ये फैक्टोरियल n है और इधर हमारा x की पावर n और फैक्टोरियल n तो चल ही रहा है। अब एक बात आप बताओ यार, 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 4 4 और 2 ये सारे इवन है, इनको एक तरफ कर लेते हैं,
ऑड वालों को एक तरफ कर लेते हैं। क्लियर है? क्यों सर ऐसा आपने किया? क्यों भैया हम देख रहे हैं कि जो हमको प्रूफ करना है 1, 3, 5 ऑड वाले सब एक तरफ है, तो हम भी ऐसा ही करते हैं, ऑड वाले एक तरफ करते हैं, इवन वाले एक तरफ। तो 2n - 2, 2n - 4 डॉट ऑफ 4 × 2 इसको एक तरफ कर लिया। क्लियर है? और मैंने क्या किया, 2n - 1, 2n - 3 डॉट 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 3 × 1 एक तरफ कर दिया। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी अभी तक डाउट हो रहा होगा। हमने जो प्रूफ करना है ना उसी का यूज़ कर रहे हैं। हमने क्यों ऐसा किया, बहुत से बच्चे रटेंगे, रटो मत या समझो कि इन्होंने ऑड को एक तरफ किया है, तो ऑड को एक तरफ किया, इवन तो ऑटोमेटिक एक तरफ हो जाएगा। क्लियर? अब सुनो, 2n में 2 कॉमन आ रहा है, 2n - 2 से 2 कॉमन आ रहा है, 2n - 4 से भी 2 कॉमन आ रहा है, 4 से भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 से भी 2 कॉमन आ रहा है। मतलब सुनो, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, यहीं से लॉजिक है। और यहीं से एक चीज और बता दूं, आगे लाइन लिखने से पहले बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या है इसका आंसर? 6 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। आपने ऐड किया, लेकिन ऐड नहीं हुआ, कायदे में ऐसे हुआ होगा, 2 कितनी बार आया है? 3 बार। तो 2 × 3 कर देते हैं, ऐसे ही तो हम लोग करते थे। ऐड तो कुछ ऐड से ही मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट निकल गया था। 2 कितनी बार आया? 4 बार। तो क्या हम इसको 2 × 4 नहीं लिख सकते? इसका यूज होगा, इसलिए मैं पहले से ही बता रहा हूँ ये चीज। अब देखिए 2n को, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें हर तरफ 2 है। तो एक बार देखिए 2 × n को ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम 2 अगर हम बाहर लेते हैं अंदर n - 1 बचेगा। क्लियर है? यहाँ से अगर मैं 2 लेता हूँ बाहर, अंदर कितना बचेगा? n - 2 बचेगा। और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, और इसको लिख सकते हैं 2 × 1। क्लियर है? हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉमन ही आ गया, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, पक्की बात है, देख लेना ये। चलिए अच्छा, इसको ऐसे ही लिख देते। अच्छा एक बात आइए, किसी बच्चे का आंसर आ रहा है 1 × 2 × 3, किसी बंदे का आंसर आ रहा है 3 × 2 × 1, एक ही बात है। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या मैं इसे उल्टा करके लिख सकता हूँ? तो क्या आएगा, 1 × 3 × 5 डॉट 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 2n - 1। क्लियर? क्यों किया सर ऐसा? इन्होंने किया, हमने नहीं किया, इनको कॉपी कर रहे हैं हम लोग। इधर कितना आ जाएगा, x^n / n, और इधर भी हमारा ये क्या चल रहा है, फैक्टर। अब सुना ध्यान से रहा, 2 ये रहा, 2 ये है, 2 ये है, 2 ये है, 2 ये है, इस सब 2 का आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 2 का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनके जो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, पक्की बात है ना। तो ये 2 कितनी बार होगा, 1, 2, 3 कितनी बार होगा, ये एन बार होगा, क्योंकि बीच में डॉट डॉट है ना। अब बीच में डॉट डॉट है तो पता नहीं कितनी बार होगा, एन बार ले लेंगे। तो 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार होगा, एन टाइम्स होगा ये। अब जब सब हर किसी से 2 कॉमन आ गया तो अंदर देखो कितना बचा होगा, n, n - 1, n - 2 और फिर ये 2 × 1। यस और नो? यहाँ से 2 चला गया, 2 बचा, यहाँ से 2 चला गया, 1 बचा। इसको एज इट इज़ लिख दो, इससे छेड़खानी नहीं करनी है। और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ आपको मैं, कि बहुत से बच्चे इसको पॉइंट समझते, पॉइंट नहीं होता ये, मल्टीप्लाई के साइन होता है, ठीक है। पॉइंट जो होता है वो एकदम बीचों बीच में आता है और ये हल्का नीचे आता है उसमें, तो ये समझ जाना। अब सुनो यार, 2 कितनी बार जा रहा है, n बार, तो इसकी पावर 1, 1, 1, तो क्या हो जाएगी, 2 की पावर 1 + 1 + 1 n टाइम्स तक। इसको ऐड करो तो इसका n ही तो आएगा, 1 + 1, सुनो 1 + 1 + 1 n टाइम्स तक, तो n × 1 नहीं हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, n आएगा ना। तो क्या हम 2 की पावर n नहीं लिख सकते इसको? क्लियर है ना भाई? अभी मैंने बताया था कि अगर 2 + 2 है तो इसको 2 × 2 लिखते हैं, 2 इसको क्या लिखें, 2 × 3, मतलब जितनी बार है उसी का मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 कितनी बार है, n बार है, तो n का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो 2 की पावर n। अब सुनो यार, ये n, n - 1, n - 2, ये क्या फैक्टोरियल n नहीं हो गया ये? क्योंकि अगर इसको ओपन करोगे इस फैक्टोरियल को, तो क्या आएगा, n, n - 1, n - 2 up to 2 × 1। तो ये पूरे से ये पूरा शहीद हो गया, यही आंसर लेके आना था, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो लॉजिक है,
यहाँ तक तो कुछ भी लॉजिक नहीं था, बस इसको हमने एक्सपेंड किया इवन एक तरफ की और एक तरफ की। ये कंसेप्ट समझना है आपको, ये वाला कि टू जब हम कॉमन ले रहे हैं तो क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, मुझे लगता है क्लियर होगा ना आप लोगों को, क्लियर है तो जो बच्चे देखें उनको भी क्लियर होगा। देखिए इसको देखते हैं एग्जाम्पल 7 को। फाइंड द कोफिशियंट ऑफ एक्स रेस टू दी पावर 6 वाई रेस टू दी पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। मतलब क्या है कि आप इसको जब ओपन करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 10, तो कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा और इसके साथ जो भी होगा वो बताइए क्या होगा, उसका कोफिशियंट फाइंड करना। एक तरीका तो यार ये है कि इसको पूरा ओपन करो। ठीक है, मैंने कहा चलो यहाँ पे 9 था, बाई चांस यहाँ पे 100 होता फिर तो कब तक ओपन करेंगे इसे। तो ऐसे में हम लोग फाइंड करते हैं जनरल टर्म टी आर प्लस 1, फॉर्मूला होता है एन सी आर, एन कितना 9, एक्स की पावर और ए की पावर आर। क्लियर है, अभी बात सुनो, एक्स की पावर क्या है यहाँ पर, क्या है 9 माइनस आर, तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये 6 हो जाए, मैं यही तो चाहता हूँ ना, तो मैं क्या करूँ 9 माइनस आर को 6 से 1 को लग दूँ, क्योंकि मैं तो यही चाहता हूँ, तो आर 3 आ गया, तो मतलब आर की जगह क्या पुट कर दें 3 पुट कर दें, तो टी 4 हो जाएगा 9 सी 4 एक्स की पावर पावर 6 2 बाई की पावर 3। क्या हुआ, डाउट है कोई, आर की जगह 3, हाँ आर की जगह 3 आएगा, सही कह रहे हो, 9 सी 3 एक्स की पावर 6, देखिए 2 की पावर 3 है, वाई की पावर 3, 2 की पावर 3 8 और वाई की पावर 3, हमसे बोला गया था एक्स की पावर 6 और वाई 3 का कोफिशिएंट, मतलब इसको छोड़कर बाकी सारा कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया इनका, इसको इसकी वैल्यू सॉल्व, मतलब इसको फाइंड कर लेना। कंसेप्ट समझिए कि यार हमको ये पता है कि एक्स की पावर 6 वाई की पावर 3, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं आएगा, तो इसका कोफिशियंट बताइए। या तो वही तरीका है कि पूरा ओपन करो, वरना हमने जनरल टर्म फाइंड कर लिया बाद में कंपेयर कर दिया, ठीक है ना, और यहाँ पे आर पुट किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आर वही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल 7 भी कर लेंगे, ये बेनिफिट है जनरल टर्म्स पढ़ने का। तो अब 3 एग्जाम्पल बचे, इसको अलग वीडियो में हम लोग बनाएंगे क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगी वीडियो फिर।